हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो हमने यहाँ पर सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के लिए डेवलपमेंट बायोलॉजी यूनिट 5 है उसका जो एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्रॉग डेवलपमेंट। तो फ्रॉग डेवलपमेंट से हर साल आपको मैंने बता रखा है काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और ये है आज इसका पार्ट 3। से पहले जो है हमने 2 लेक्चर हमने कवर अप कर लिए हैं, आज इसका पार्ट 3 है। तो हमने देख लिया था जो फ्रॉग होता है वो किस टाइप का होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एग कैसा होता है, क्लीवेज किस टाइप का होता है, ये सब चीजें हमने कवर कर ली थी। उसका एग जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें जो वेंट्रल साइड कौन सी होती है, डॉर्सल साइड कौन सी होती है, स्पर्म की एंट्री जहाँ होती है वो वाला साइड उसका होता है, उसका अपोजिट वाला होता है। जैसे कि स्पर्म की एंट्री इस पॉइंट से हो रही तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, डॉर्सल होता है, और ये वाला साइड क्या है, वेंट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देख ली थी। फिर उसके बाद ग्रीक क्रिसेंट क्या होता है, यहाँ से ही क्या है हमारा ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट होता है। फिर हमने ग्रेस्टुलेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो हमने कवर अप किए थे, बॉटल सेल्स क्या होती है, फिर वेजिटल सेल्स क्या होती है, ये सब देखा था, और किस तरफ हमारा मेसोडर्म बनेगा, कहाँ हमारा एंडोडर्म बनेगा, कहाँ हमारा एक्टोडर्म बनेगा, उस चीज के लिए कौन कौन से जीन्स या प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब चीजें भी मैंने आपकी कवर की थी। फिर ग्रेस्टुलेशन हमने देख लिया था। उसके बाद हमने क्या है, स्पीमेन के एक्सिस का जो फॉर्मेशन होता है इसके लिए स्पीमेन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमने देखे थे। तो 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, बहुत ईजी थे। आप इसमें क्या है, अगर अर्ली स्टेज में अगर हम सेल्स को अलग कर देते हैं और उसके बाद 5 दिन बाद अगर किसी सेल को अलग करते हैं, दोनों को सेम टाइम पे देखते हैं, तो चीजें तो नॉर्मल ही डेवलप होती है लेकिन उनकी साइज में क्या है, डिफरेंस आता है, ये चीज हमने देखी थी। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने ग्रे क्रिसेंट को बताया था कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि यहाँ देखो ये ब्लास्टोपोर है हमारे, एक एग को 2 हाफ में इन्होंने डिवाइड किया, ये है ब्लास्टोपोर फर्स्ट वाला हाफ, ये है सेकंड वाला। तो यहाँ क्या है, जो हमारा ग्रीक क्रिसेंट है, जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, ये दोनों हाफ्स में गया है डिवाइड होकर के। तो यहाँ दोनों क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट हुए हैं, दोनों नॉर्मल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, जबकि इस तरफ जब इसको डिवाइड किया तो ब्लास्टोमियर को, तो ग्रीक क्रिसेंट वाला जो पार्ट है वो एक सेकेंड हाफ जो है उसी में ही पूरा रह गया। तो यहाँ क्या हुआ, जिसके अंदर ग्रीक क्रिसेंट नहीं गया वहां नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये स्विमैन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था। फिर हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे ग्रीक क्रिसेंट और स्पीमैन के लिए। अब हमने आ रही यहाँ पर क्या है, स्पीमैन के थे ये हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट। अब हम देखेंगे स्पीमैन और मैनगोल्ड थे, इन्होंने भी मिलकर के क्या है कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वहां सिंगल हमारे स्पीमैन ने किया था एक्सपेरिमेंट और यहाँ पर इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या है एक्सपेरिमेंट किए थे, और स्पीमैन ने क्या क्या बताया वो चीजें मैंने आपकी कवर कर दी। तो आज की क्लास में हम स्पीमैन एंड मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पूरा की कैसे कैसे इनका ग्रेस्टुलेशन की प्रोसेस कैसे कैसे वर्क कर रही है, डोर्सल जो साइड है वो कैसे इन्वेजिनेट हुई, वेंट्रल साइड कैसे हुई। अब यहाँ पर क्या है, एक को न्यूकोप सेंटर आता है, ऑर्गेनाइजर सेंटर आता है फ्रॉग के डेवलपमेंट में, तो हम ये देखेंगे न्यूकोप सेंटर जो है वो कहाँ बनता है एंड कैसे बनता है, उसके लिए कौन सा जीन या प्रोटीन हमारे रेस्पॉन्सिबल रहता है, ये सब चीजें हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज को देखें पहले, बाद में डायग्राम समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेकेंडरी एक्सेस बाय डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप, जिसको DBLV बोलते हैं। टिश्यूज ए टू सी, यहाँ पर ए से सी तक हमारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, उसे हम समझेंगे। स्पीमैन एंड मैनगोल्ड 1924 एक्सपेरिमेंट विजुअलाइज्ड द प्रोसेस बाय यूजिंग डिफरेंटली पिगमेंटेड म्यूट एम्ब्रियोस। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, डोर्सल लिप टिश्यू फ्रॉम एन अर्ली, यहाँ पर क्या है, टीटिनियस ग्रेस्टुला जो है इसके एक स्पीसीज, मतलब न्यूट की ही स्पीसीज है, ग्रेस्टुला आर ट्रांसप्लांटेड इनटू दूसरी स्पीसीज में क्या है, इन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, यह है स्पीसीज फर्स्ट एंड यह है स्पीसीज सेकंड। यहाँ इन्होंने क्या किया है, डोर्सल अर्ली डेवलपमेंट या अर्ली ग्रेस्टुला स्टेज में क्या किया है, इन्होंने डोर्सल लिप टिश्यू जो है इन्होंने फ्रेगमेंट लिया है, इसको हम बोल सकते हैं डोर्सल लिप टिश्यू, इसको अर्ली ग्रेस्टुला में ट्रांसप्लांटेड किया है। नेक्स्ट इन द रीजन ऑफ
सॉरी रीजन दैट नॉर्मल बिकम वेंट्रल एपिडर्मिस। तो इसको यहाँ इसने वेंट्रल साइड, ये आपको पता है मैं बता चुकी हूँ कि ये वाला जो साइड होता है ये डॉर्सल साइड होता है हमारे, और ये होता है वेंट्रल साइड। तो यहाँ वेंट्रल साइड इन्होंने ट्रांसप्लांट किया तो क्या बन रहा है, नॉर्मल एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह इन्होंने क्या है इसको ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। फिर सेकंड डायग्राम में क्या बोला गया है, द डोर्सल टिश्यू इन्वेजिनेट हुआ है, ठीक है, एंड फॉर्म्स ए सेकेंडरी आर्किटॉन एंड देन सेकेंडरी सॉरी सेकेंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस। बॉथ डोनर एंड होस्ट टिश्यू आर सीन इन द न्यू न्यूरल ट्यूब नोटोपोड एंड सोमाइट्स। तो यहाँ क्या क्या बोला गया है डायग्राम में, यहाँ जहां पर हमने डॉर्सल लिप टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया था वहां पर क्या है वेंट्रल साइड की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने क्लियर किया है, फर्स्ट डायग्राम में ये बोला गया है। फिर सेकंड में क्या है, यहाँ पर जो डॉर्सल टिश्यूज है, ये देखो डॉर्सल टिश्यूज जो है ये इस तरह से डॉर्सल साइड है इसका, ये इन्वेजिनेट होता है, इन्वेजिनेट होकर के क्या है ये सेकेंडरी आर्किटॉन का फॉर्मेशन करते हैं एंड सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। और हमारा जो डोनर है एंड होस्ट टिश्यू है दोनों तरफ ही हमें क्या है न्यू न्यूरल ट्यूब देखने को मिल रही है, देखो न्यूरल ट्यूब हमें देखने को मिलेगी, देखो एंड सोमाइट्स भी बन रहे हैं आपको एंड नोटोपोड। तो यहाँ पर हम सीधी सी बात है, अगर आपको मैं बताना चाहूँ नॉर्मल हमारा एम्ब्रियो, इससे पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था एक साइड में नॉर्मल चीजें बन रही, लेकिन उन्हीं सारे जीन्स को हम दूसरी तरफ भी अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो सब चीजें क्या उसमें डेवलप हो रही है, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से यहाँ क्या है, हमने डॉर्सल साइड में था सही सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमने डॉर्सल साइड का जो है कुछ टिश्यू जो है उसको कट करके हमने वेंट्रल साइड इसको इन्वेजिनेट किया। तो यहाँ क्या हुआ, डॉर्सल साइड में भी सब कुछ बन रहा है एंड वेंट्रल साइड में भी सब कुछ बन रहा है, ये देखो यहाँ पर भी न्यूरल ट्यूब बन रही है, सोमाइट्स बन रहे हैं एंड नोटोकोर्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने ये कहा है कि सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों हमारे डायग्राम से हमने क्लियर किया है। फिर क्या है, इवेंचुअली ए सेकेंडरी सॉरी सेकेंड एम्ब्रियो फॉर्म जॉइन टू द होस्ट। यहाँ क्या है, देखो दो एम्ब्रियो तो बन चुके हैं, ये देखो फर्स्ट एम्ब्रियो एंड सेकेंड एम्ब्रियो, लेकिन ये क्या है आपस में ज्वाइंट है, ठीक है ज्वाइंट है, क्योंकि एक ही जो इनका ब्लास्टुला था या हम एग बोल सकते हैं, इसमें क्या है इन्होंने यहाँ नॉर्मल चीजें बन रही, लेकिन इस तरफ इन्होंने इमेजिनेट किए चीजों को, इसलिए क्या ये आपस में डिवाइड होते हैं, तो दो तो बनते हैं लेकिन ये आपस में सेपरेट नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। जिनोपस लार्वा जनरेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग ए डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप इनटू द वेंट्रल रीजन ऑफ एन अर्ली ब्लास्टुला होस्ट एम्ब्रियो। यहाँ क्या बोला गया है, इन्होंने लार्वा जनरेटेड किया, ट्रांसप्लांट करवाया किस चीज का, डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप का जो भी वेंट्रल रीजन में, ठीक है अर्ली ब्लास्टुला स्टेज के अंदर। तो इस तरह से हमारी डेवलपमेंट हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, ये लाइंस क्या है डबल बार आ गई है वाला, ये इधर भी है, ठीक है। फिर है सिमिलर ट्विन टेल लार्वा आर सीन फ्रॉम बिलो एंड स्टैंड फॉर नोटोकोड, द ओरिजिनल एंड सेकेंडरी नोटोकोड कैन बी सीन। तो यहाँ यही बोला गया है, इन्होंने क्या किया है डोर्सल साइड की जीन्स को वेंट्रल साइड के ऊपर भी क्या है ट्रांसप्लांटेड करवाया, यही सब हमारे स्पेसिमेन भी यही चीजें बता रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, बाद में देखा कि सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन हो रहा है, दो आराम से नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन होस्ट और यहाँ पर क्या है डोनर जो है आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है दोनों आपस में क्या है एक लाइन के थ्रू, ये देखो इस तरह से एक स्लिट के थ्रू जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर किस चीज का ट्रांसप्लांटेशन करवाया गया है, डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप का वेंट्रल रीजन में, इन्होंने अर्ली ग्रेस्टुलर स्टेज पर ही क्या है ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया था। तरह से इस तरफ बन जाएगा हमारे सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन, ये प्राइमरी एक्सिस है और ये है सेकेंडरी एक्सिस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला, एक बार मैं आपको खुद से भी डायग्राम बना करके लाई हूँ, एक बार आप इससे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को क्या है ट्रांसप्लांटेड किया गया है टू द एरिया दैट वॉज, तो यहाँ देखो न्यूट फर्स्ट है एंड न्यूट सेकंड, मतलब दो इसके अलग अलग स्पीसीज ली है। तो यहाँ क्या है डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो है हमारा उसको लिया एंड इसको ट्रांसप्लांटेड करवाया यहाँ पर वेंट्रल साइड की तरफ, ठीक है ये है इसका वेंट्रल साइड, ये है इसका डोर्सल साइड और बीच में है ब्लास्टोसील, ठीक है। यहाँ प्राइमरी इन्वेजिनेशन हुआ एंड देन फिर ग्लास्टुला बन ही रहा है हमारे, फिर टाइम के साथ साथ क्या हुआ यहाँ पर सेकेंडरी इन्वेजिनेशन का भी फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडरी इन्वेजिनेशन के बाद क्या है यहाँ पर
इस तरह देखो इंड्यूस सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, नॉर्मली तो इसकी फॉर्म हो रही थी लेकिन हमने क्या किया है डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को जो है नॉर्मली, ये चीज आपको पता होगी जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो होता है ये हमारे डॉर्सल साइड में ही बनता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसके जीन्स को हम क्या है वेंट्रल साइड में भी अगर इसको ट्रांसप्लांटेड कर रहे हैं तो डॉर्सल साइड में जो चीज बनेगी वो वेंट्रल साइड में भी बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है न्यूरल ट्यूब एंड नोटोकॉर्ड इस तरफ भी बन रहे हैं एंड इस तरफ भी हमारे न्यूरल ट्यूब एंड नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से दो स्ट्रक्चर प्राइमरी एंड सेकेंडरी का हमने इंड्यूस करवाया या फिर फॉर्मेशन करवाया। तो यहाँ हमने बाद में देखा ये देखो प्राइमरी एक्सिस एंड सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया, बट जो हमारे एम्ब्रियोज है वो आपस में इस तरह से जॉइंटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ठीक है। रिजल्ट क्या निकला द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पीमैन एंड मैनगॉर्ड शोड दैट द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपियर अलॉन्ग विद द डॉर्सल मेसोडर्म एंड एंडोडर्म दैट फॉर्म फ्रॉम इट कंसिडर्ड एंड ऑर्गेनाइजर एबल टू इंस्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ठीक है। ये चीज का पता हमारे मैनगॉल्ड एंड स्पीमैन ने बताया था। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स ग्रे क्रिसेंट एंड मैनगॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये चीज तो आपको पता है हमारे जो ग्रे क्रिसेंट है वो हमारे डॉर्सल साइड में ही बनता है, इस तरफ हमारे ग्रे क्रिसेंट भी बनता है, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप भी बनता है, ऑर्गेनाइजर भी बनता है। एंड अभी हम पढ़ेंगे एक और जीन है न्यूको सेंटर, वो भी साइड ही हमारे सब कुछ जितने भी जीन्स है हमारे वो डोर्सल साइड। तो अभी कुछ एक एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था उसमें क्या था स्पीमैन ने क्या बताया था हमारे म्यूक्रिसेंट है वो ही क्या करता है, मैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर लेके चलू आपको। ये देखो इन्होंने ही क्या बताया था यही जो ग्रिक्रिसेंट है इस वाले एक्सपेरिमेंट में यही क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर जो होता है उसकी तरह फंक्शन करता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा जो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप है यही हमारे रेस्पॉन्सिबल है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। यहाँ पर क्या है इसकी वजह से क्या है सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है हम अगर दूसरे स्पीसीज के वेंट्रल साइड में इसको ट्रांसप्लांटेड कर रहे हैं तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा। फिर ऑर्गेनाइजर क्या काम करता है एक्ट एज ए यीस्ट होता है करता है सिक्रेटेड कुछ प्रोटीन्स को जो कि हमारे डिफ्यूज होता है सराउंडिंग के टिश्यूज को और उनको अफेक्ट करता है जो इसका बिहेव होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर है हमारे एक्टोडर्म एंड ऑर्गेनाइजर मिलते हैं तो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड एक्टोडर्म और ऑर्गेनाइजर नहीं रहता है तो हमारे एम्ब्रियो में ओनली एपिडर्मिस का ही फॉर्मेशन होता है। ये देखो अगर यहाँ पर क्योंकि इस तरफ भी हमने क्या है ऑर्गेनाइजर आप नॉर्मल अगर मैं समझाना चाहूँ हमारे अगर ये एक एम्ब्रियो है या ग्रेस्टुला है तो इस तरफ क्या है हमारे ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट है, ये चीज मैंने आपको बता दी है, ये है इसकी डॉर्सल साइड ये है वेंट्रल साइड। क्योंकि ऑर्गेनाइजर इस तरफ ही प्रेजेंट है तो इस तरफ क्या बन रहा है हमारे न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप या ऑर्गेनाइजर वाला जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर जो जीन है इसको हमने इस तरफ भी ट्रांसप्लांटेड कर दिया तो यहाँ पर भी एक्टोडर्म प्लस में ऑर्गेनाइजर हो गया तो यहाँ पर क्या बनेगा न्यूरॉन टिश्यू। बट नॉर्मल कंडीशन में यहाँ क्या है आपको पता है ऑर्गेनाइजर एब्सेंट होता है तो यहाँ ओनली हमारे क्या बनेगा एपिडर्मिस का ही फॉर्मेशन होएगा किस तरफ हमारे वेंट्रल साइड में। तो ये चीज हमारे उस लैंग्वेज में बोली गई है तो ये दोनों लाइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम नॉर्मल देखिए ग्रे क्रिसेंट की जो सेल्स हमने ट्रांसप्लांटेड करवाई इन्वेजिनेशन हुआ डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप्स, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे क्या है यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ, ये सब चीजें हमने अब हमारी क्लियर कर ली कि कौन सा ग्रे क्रिसेंट क्या किस में टर्न मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट में काम आ रहा था, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट में काम आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है सॉरी ऑर्गेनाइजर जो जीन होता है एंड ऑर्गेनाइजर जो है एक्टोडर्म के साथ प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा न्यूरल ट्यूब बनाएगा एंड अगर ऑर्गेनाइजर नहीं रहेगा एक्टोडर्म के साथ तो वो नॉर्मल हमारे एपिडर्मिस का ही फॉर्मेशन करेगा। अब हम देखते हैं वेजिटल रोटेशन एंड द इन्वेजिनेशन। तो यहाँ देखते हैं द एम्ब्रियो डॉस एरिया डिस्टेंट टू फॉर्म द एंडोडर्मल ऑर्गन्स टू सराउंडेड द एम्ब्रियो विथ सेल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द एक्टोडर्म, ठीक है। फिर एंड टू प्लेस द मेसोडर्मल सेल्स इन द प्रॉपर पोजिशन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सॉरी एंडोडर्म। ये चीज मैंने आपको बता दी थी एम्ब्रियो में क्या है हमारे
सबसे पहले तो बनता है एंडोडर्म, एंड ये अपने से ऊपर वाले सेल को बोलती है कि आप मेसोडर्म बनो, एंड मेसोडर्म फिर हमारे इसको इंड्यूस करती है कि आपको एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। फिर है सेल्स का मूवमेंट होता है ऑफ ग्रेस्टुलेशन दैट विल अकॉम्प्लिश दिस आर इनिशिएटेड टू द फ्यूचर डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे इनमें क्या है, ग्रेस्टुलेशन होता है, ग्रेस्टुलेशन कौन से पॉइंट से स्टार्ट होता है, स्पर्म की एंट्री होती है एंड उसके अपोजिट साइड 30 डिग्री रोटेशन होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। उसके बाद क्या है, जो एरिया, इस तरह से ये एरिया बनता है, यहाँ पर हमारे ग्रे क्रिसेंट का फॉर्मेशन होता है और यहीं से ही क्या है हमारे ग्रेस्टुलेशन का मतलब फॉर्मेशन ये स्टार्ट होता है। जो भी कौन सी साइड, ये और ये साइड क्या बनेगी हमारे फ्यूचर में, डॉर्सल साइड फॉर्मेशन करेगी एंड ये वाली हमारी हो जाएगी वेंट्रल जस्ट बिलो द इक्विटर इन द रीजन ऑफ द ग्रे क्रिसेंट, दिस रीजन अपोजिट टू द स्पर्म एंट्री, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी, इस तरह से स्पर्म की एंट्री होगी, इसका अपोजिट साइड ग्रे क्रिसेंट बनेगा, ठीक है। अब कुछ डायग्राम्स हम इनमें समझते हैं। द मेजर सेल मूवमेंट्स आर indicated by arrow and the superficial animal hemisphere cells are colored so that their movement can be followed. Below the drawing are corresponding micrographs imaged with a surface imaging microscope. ठीक है, ये है हमारे egg बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ये है animal pole, ये vegetal pole है, ये डॉर्सल साइड है एंड ये है इसकी वेंट्रल साइड, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ अब बोला गया है डायग्राम ए एंड बी में अगर हम देखें तो अर्ली ग्रेस्टुलेशन प्रोसेस है, बॉटल सेल्स जो होता है ऑफ द मार्जिन मूव्स इनवर्ड टू फॉर्म द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। यहाँ क्या है, कुछ बॉटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो इनकी क्या है इनवर्ड अंदर की ओर जा रही है डॉर्सल लिप टू द ब्लास्टोपोर, ठीक है। फिर क्या है, मेसोडर्मल प्रीकर्सर इन्वॉल्यूट अंडर द रूफ ऑफ द ब्लास्टोसीन। फिर क्या है, एनिमल पोल, ये क्या एपी का मतलब है, एनिमल पोल मार्क्स द पोजिशन ऑफ द एनिमल पोल विच विल गिव एज ग्रेस्टुलेशन कंटिन्यूस। यहाँ पर क्या है, कुछ बॉटल सेल्स इन्वेजिनेट होती है, इन्वेजिनेट होकर के यहाँ पर क्या है, ये देखो ब्लास्टोपोर लिप जो है डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप का फॉर्मेशन हुआ है एंड इस तरह से यहाँ क्या है हमारे कंटिन्यूस क्या होता रहता है, ग्रेस्टुलेशन यहाँ चलता रहता है। एंड उसके बाद क्या है, हमारे ग्रेस्टुलेशन चलता रहा तो लास्ट में क्या बना, हमारे एक्टोडर्म बन गया, मेसोडर्म बन गया एंड आर्किटोन बन चुका है और इसके ऊपर हमारे क्या बन जाएगा, एपिडर्मिस वाला फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बीच में है ब्लास्टोसील, जो ये कैविटी है ये ब्लास्टोसील है। ए और बी डायग्राम में तो अर्ली ग्रेस्टुलेशन बताया गया है, बी एंड सी सॉरी सी एंड डी में मिड ग्रेस्टुलेशन बताया गया है। यहाँ क्या है, आर्किटोन फॉर्म्स हो रही है एंड डिस्प्लेस द ब्लास्टोसील एंड सेल माइग्रेट कर रही है फॉर्म द लैटरल एंड वेंट्रल लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर इनटू द एम्ब्रियो। देखो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है, लैटरल ब्लास्टोपोर लिप है एंड वेंट्रल ब्लास्टोपोर लिप बन रहा है, यहाँ एक्टोडर्म है, ये है हमारे मेसोडर्म, ठीक है, और ये है एंटीरियर एंडोमेसोडर्म, यानी एंडोडर्म भी है इसके अंदर एंड मेसोडर्म भी है। यहाँ क्या है, सेल्स का क्या है माइग्रेशन हो रहा है, सेल का माइग्रेशन होने के बाद क्या है हमारे वेंट्रल लिप जो है ब्लास्टोपोर वो हमारे जो एम्ब्रियो है उसमें बन रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा एनिमल हेमिस्फीयर है, ये देखो एनिमल पॉल जो है ये माइग्रेट कर रहा है डाउन की तरफ, ठीक है, माइग्रेट डाउन टुवर्ड्स द वेंट्रल रीजन, वेंट्रल रीजन की तरफ, मूविंग द ब्लास्टोपोर टू द रीजन नियर द वेजिटल पोन, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रेस्टुलेशन द ब्लास्टोसील इज ऑब्लिगेटेड, द एम्ब्रियो बिकम सराउंडेड बाई एक्टोडर्म, ठीक है। इस तरह से हमारे जो एम्ब्रियो है वो सराउंडेड हो चुकी है एक्टोडर्म के थ्रू एंड द एंडोडर्म हैज बीन इंटरलाइज्ड हो रही है, ये देखो एंडोडर्म क्या है अंदर की ओर बन रही है देखो, एंड मेसोडर्म सेल्स हैज बीन पोजिशन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर मैं इस डायग्राम को अच्छे से आपको बताऊं, यहाँ क्या है हमारे एनिमल पोल जो है वो नीचे की ओर हमारे मूव कर रहा है या माइग्रेट कर रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, ये इस तरह से पूरा माइग्रेट कर चुका है, ये वेंट्रल मेसोडर्म है, ठीक है, एंडोडर्म ये बन चुका है, उसके बाद ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है, नोटोपोर है, एक्टोडर्म है, तो
एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में हमारे क्या बनता है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ये चीज इसके अंदर बताई गई है। अब हम देखते हैं ग्रेस्टुलेशन कैसे होता है। ठीक है, एनिमल हेमिस्फीयर ब्लास्टोमियर्स विल बिकम द सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म। वो क्या बनाएगी, हमारे स्किन एंड नर्व्स का फॉर्मेशन करती है एक्टोडर्म। फिर हमारे वेजिटल हेमिस्फीयर सेल्स, आपको एनिमल और वेजिटल पोल का मैं डायग्राम मैं स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ आपको। ये देखो, ये है हमारा एनिमल पोल एंड ये है हमारा वेजिटल पोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनिमल पोल क्या बना रहा है, हमारे एक्टोडर्म बना रहा है एंड वेजिटल हेमिस्फीयर सेल्स बिकम द सेल्स ऑफ द गट एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर रही है इस तरह से। एंड उसके बाद इक्विटोरियल सेल या मेसोडर्म जो है बॉन्स बनाएगी इसकी, हर्ट बनाएगी एंड मसल्स का फॉर्मेशन होगा फ्रॉग की बॉडी का। एंड इस तरह से ग्रेस्टुलेशन जो है कंटिन्यूस थ्री डिस्टिंक्ट लेयर्स में फॉर्म्ड होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए एक्टोडर्म से और क्या क्या ऑर्गन्स हमारे फॉर्म्ड होते हैं, मेसोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, एंडोडर्म से एंड जर्म सेल से हमारे क्या क्या बनता है। इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आपको दे देंगे मेसोडर्म डिराइव्ड ऑर्गन कौन सा है, तो आपको वहां दे देंगे न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, बॉन टिश्यूज एंड हमारे दे देंगे लंग सेल्स तो आपको, या फिर एक दे देंगे हमारे थायराइड सेल्स। तो अब आपको पता लगाना है कि मेसोडर्म से डिराइव टिश्यू कौन सा है, तो बॉन टिश्यूज हमारे मेसोडर्म से डिराइव है। इस तरह से दो नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए आपको ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, इंपोर्टेंट। आप देख सकते हैं एक्टोडर्म से हमारे एपिडर्मिस बनती है, एपिडर्म या स्किन पिगमेंटेड सेल, ब्रेन कि जो न्यूरॉन्स है उनका फॉर्मेशन होता है, मेसोडर्म से हमारे नोटोकोड बनता है, बॉन टिश्यूज बनता है, किडनी बनती है, आरबीसी बनती है, फेशियल मसल्स बनती है। ठीक है, एंड हमारे एंडोडर्म से पैंक्रियाटिक सेल्स बनती है, लंग सेल्स बनती है, थायराइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल्स से हमारे आपको पता है एग एंड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम देख रहे हैं कुछ आगे जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लीफ है ये किस तरह से फंक्शन करती है। फ्रॉग में क्या है, लर्न करने जैसी कोई चीज नहीं, बस समझ गए वही एक्सपेरिमेंट है, आपस में आप इंटरलिंक कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि सारी चीजें जो है हमारी वेंट्रल साइड ग्रे क्रिसेंट बन गया, फिर ऑर्गेनाइजर बन गया, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप बन गया, इसी तरह हमारे बॉटल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है और इधर ही हमारे न्यूकोप सेंटर का भी फॉर्मेशन होगा, वो हम अभी देखेंगे। तो सारी चीजें क्या है, हमारे जो एम्ब्रियो है उसकी डॉर्सल साइड में ही फॉर्म हो रही है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसी तरह से फिर से एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसप्लांटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। यहाँ क्या है, ट्रांसप्लांटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं और जीनोपस एम्ब्रियोस डेमोंस्ट्रेट दैट द वेजिटल सेल्स अंडरलाइन द प्रोस्पेक्टिव डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप। ये है डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, रीजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ब्लास्टुलेशन। तो यहाँ क्या बोला गया है, डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो होता है यही क्या है, हमारे रेस्पॉन्सिबल होता है स्टार्टिंग के ग्रेस्टुलेशन के लिए या फिर इनिशिएट करने के लिए ग्रेस्टुलेशन को। यहाँ देखो डोनर है एंड रिसिपिएंट है हमारे, यहाँ से हमारे स्पर्म की एंट्री हुई है दोनों में ही। ठीक है, स्पर्म की एंट्री हो चुकी है एंड देन उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या है नॉर्मल डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप प्रेजेंट है, लेकिन इसको क्या है इस तरफ भी ट्रांसप्लांटेड करवा दिया। तो इससे ये है कि इसका इस तरफ तो हमारे पहले से प्रेजेंट था ही, इस तरफ तो इसकी सब चीजें प्रेजेंट थी, लेकिन इसकी जो इस तरफ जो प्रेजेंट डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है इसको यहाँ पर क्या है इन्होंने ट्रांसप्लांटेड करवाया है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ग्रेस्टुलेशन साइट एंड बॉडी एक्सेस बाय द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स ऑफ ए 64 सेल एम्ब्रियो इनटू द वेंट्रल मोस्ट वेजिटल रीजन ऑफ अदर एम्ब्रियो। तो यहाँ क्या है डोर्सल साइड वाली जो सेल्स है ये लोग ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं कौन सी स्टेज में, जब हमारा एम्ब्रियो 64 सेल स्टेज में हो। यहाँ पर क्या है डॉर्सल वाली चीजों को वेंट्रल रीजन के अंदर या अनदर एम्ब्रियो जो है ये सेकंड, ये फर्स्ट एम्ब्रियो डोनर का है एंड ये हमारे रिसिपिएंट या होस्ट बोल सकते हैं, तो इसका ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं हम वेंट्रल साइड में। ठीक है, द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ मेसोडर्म इंडक्शन डेमोन्स्ट्रेट बाय रिकॉम्बिनिंग ब्लास्टोपोर्स ऑफ 32 सेल जीनोपस एम्ब्रियो। ठीक है, फिर है अर्ली जीनोपस ब्लास्टुला रेदर देन न्यू गैस्टुला व्हेन दे ट्रांसप्लांटेड द डोर्सल मोस्ट वेजिटल ब्लास्टोमियर फ्रॉम द वन ब्लास्टुला इनटू द वेंट्रल
वेजिटल साइड ऑफ द अनदर ब्लास्टुला टू एम्ब्रियोनिक एक्सिस आर फॉर्म। तो यहाँ हमने क्या किया है, डॉर्सल मोस्ट वेजिटल, ये क्या है हमारी डॉर्सल, ये हमारी डॉर्सल साइड है। तो यहाँ की हमने जो सेल्स है इसको ट्रांसप्लांटेड किया है अदर एम्ब्रियो के वेंट्रल साइड में। तो यहाँ क्या है, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ हमारे नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, हमने इसके सेकंड साइड में भी क्या है, हमने वही जीन ट्रांसप्लांट करवाया जो कि इसकी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। इस सेम वही एक्सपेरिमेंट्स बार बार चल रहे हैं, बस आपको और अच्छे से क्लियर कट समझ में आए उस चीज के लिए क्या है, ये एक्सपेरिमेंट्स बार बार हुए हैं, आपको लर्न करने जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या है, न्यू ब्लास्टुला साइड एंड बॉडी एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ क्या, इस तरह से सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ है और ये इसकी प्राइमरी एक्सिस, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए प्रेजेंट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारा न्यूकोप सेंटर क्या होता है, उससे पहले कुछ पॉइंट है। ऑर्गेनाइजर इज ए पॉइंट वेयर टू सिग्नल्स कवरेज करता है। फर्स्ट सिग्नल टेल्स द सेल दैट दे आर डॉर्सल साइड, जहां ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होगा भी मैंने आपको बताया था वो साइड हमारी हमेशा डॉर्सल साइड होगी। एंड सेकेंड सिग्नल सेज दैट दे आर मेसोडर्म, जो ऑर्गेनाइजर होता है ये मेसोडर्म बनाने के लिए क्या है, सिग्नल देता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं न्यूकोप सेंटर, ये देखो यहीं पर क्या है, कहीं हमारा ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होता है एंड यहीं पर डॉर्सल ब्लास्टोपोर और लिंब भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये है फ्यूचर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट है न्यूकोप सेंटर, उसी के जस्ट पास में। ये कैसे बनता है, द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ द ब्लास्टुला विच आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर, ठीक है, हैज बीन कॉल्ड एज द न्यूकोप सेंटर। ऑर्गेनाइजर को ही हमने बाद में क्या बोला है, न्यूकोप सेंटर कहा गया है, क्योंकि ये भी सेम वही फंक्शन कर रहा है जो ऑर्गेनाइजर कर रहा है। द मेजर कैंडिडेट फॉर द फैक्टर दैट फॉर्म्स द न्यूकोप सेंटर इन दीज वेजिटल सेल्स वाज बीटा कैटेनिन। यहाँ क्या है, एक मेजर जीन या फैक्टर या प्रोटीन बोल सकते हैं जो कि न्यूकोप सेंटर के इन्वेजिनेशन के लिए या उसको फॉर्मेशन के लिए क्या है, हेल्प करता है या रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन है, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडिडेट, यह है बीटा कैटेनिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स कंस्टिट्यूट द न्यूकोप सेंटर, यहाँ डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स जो है वही बनाती है हमारे न्यूकोप सेंटर। ये देखो इस तरह से यहाँ हमारा न्यूकोप सेंटर, और इसके फॉर्मेशन के लिए एक मेजर कैंडिडेट या जीन रहता है, वो है हमारी बीटा कैटेनिन, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे जो डॉर्सल सिग्नल्स दिए है बीटा कैटेनिन ने और क्या क्या करता है हमारे एम्ब्रियो में बीटा कैटेनिन। तो थोड़ा बहुत तो है मैं ही बता देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे बहुत अच्छे से। तो बीटा कैटेनिन ने हमारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जैसे काम करता है, किसके अंदर, डब्ल्यू एन टी जो सिग्नलिंग होती है उसके अंदर। एंड बीटा कैटेनिन इज ऑरिजिनली फाउंड इन थ्रू आउट द एम्ब्रियो, हमारा जो एम्ब्रियो है उसमें थ्रू आउट द बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका क्या है, एक जैसे कि एम्ब्रियो हमने बना लिया तो बीटा कैटेनिन हमारे क्या है, एम्ब्रियो में थ्रू आउट प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसका क्या है, एक दुश्मन होता है, एनिमी होता है GSK3। तो हमारे एम्ब्रियो में जहां भी GSK3 होगा वो हमारे बीटा कैटेनिन को क्या है, इनिबिट करता है, क्या है, इसको इनिबिट कर रहा है। तो ये तो पता है हमें बीटा कैटेनिन हमारे थ्रू आउट प्रेजेंट है हमारे पूरे एम्ब्रियो में, लेकिन जहां जहां GSK3 रहेगा वहां क्या है, हमारे बीटा कैटेनिन प्रेजेंट नहीं, वो होगा प्रेजेंट बट उसका जो एक्सप्रेशन है उसको इनिबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। बीटा कैटेनिन एक्टिव इन डॉर्सल साइड, क्यों बोला गया है कि एक्टिव रहता है ओनली डॉर्सल साइड ही, क्योंकि हमारी जो वेंट्रल साइड है यहाँ पर हमारे GSK3 प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये जो एक्टिव रहता है ओनली डॉर्सल साइड में ही रहता है। ये इसका डॉर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है, क्योंकि GSK3 इनिबिट करता है बीटा कैटेनिन को एट द वेंट्रल साइड, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर द प्रोटीन WNT11 डिशेवल्ड ऑल आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द वेजिटल पोल ऑफ द एग टू द फ्यूचर डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। हमारे WNT, यहाँ और कौन कौन से जीन होते हैं, WNT11 एंड डिशेवल्ड DSH, ये एंड बीटा कैटेनिन, ये तीनों जीन्स क्या है हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहते हैं, और ये डॉर्सल साइड को डॉर्सल साइड बने रहने के लिए ये तीनों जीन्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। फिर है बीटा कैटेनिन इज टारगेटेड फॉर डिस्ट्रक्शन बाय ग्लाइकोजन सिंथेस
काइनेज 3, जिसको GSK 3 की फुल फॉर्म में, इसका कोई मतलब नहीं फुल फॉर्म, आप याद रखो, GSK 3 क्या के थ्रू क्या है, हमारा बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, कौन सी साइड में, हमारे वेंट्रल साइड में, क्योंकि वेंट्रल साइड को वेंट्रल फेट में ही बने रहने के लिए यहाँ पर क्या है GSK 3 वर्क करता है, जबकि डॉर्सल साइड को डॉर्सल साइड बने रहने के लिए यहाँ पर WNT11, D7 एंड बीटा कैटेनिन 3 टाइप के हमारे जो जीन्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड GSK3 कैन बी इनएक्टिवेटेड, ये किस किस के थ्रू, GBP एंड D7 जो प्रोटीन है इनके थ्रू क्या है इनएक्टिवेट करवाया जाता है, वो भी कौन से साइड में, डॉर्सल साइड में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे से, क्योंकि सारी क्लासेस क्या है, आज हमारा थर्ड पार्ट ही क्या है, आपस में इंटरलिंक है, सारे एक्सपेरिमेंट जितने भी फैक्ट्स है, कुछ चीजें इसमें मेमोराइज वाली भी है, कुछ मोस्ट ऑफ चीजें क्या है यहाँ समझने वाली है। तो अगर आप एक क्लास को नहीं देखेंगे, दूसरे पार्ट को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट तीसरे पार्ट पे स्विच करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पार्ट फर्स्ट से आपको इस टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि अपन भी सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या, अभी हम न्यूक्लियर सेंटर भी हमारा बन चुका, फिर हम बीटा कैटेनिन के बारे में पढ़ेंगे पूरा, क्या क्या इसके नहीं होने से, म्यूटेट करने से क्या होता है, इसके कुछ म्यूटेशन केस भी पढ़ेंगे, एंड GSK3 कैसे कैसे हमारे जो एम्ब्रियो है उसमें अपना इफेक्ट डालता है, कौन सी लेयर का फॉर्मेशन होगा, कहाँ होगा, कौन सा ऑर्गन कौन सी जगह पर बनेगा, वो सब चीजें भी हम अभी तक आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ एक्सपेरिमेंट है बीटा कैटेनिन के, गुस्कॉइड जीन है हमारे, काफी सारे जीन्स और भी आएंगे, तो आपको ये सब चीजें क्या है लर्न होनी चाहिए, और सब कुछ आपको सीक्वेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक कर रही है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक में डाउट है तो आप वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक का भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।